आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम सीरीज तो जीती, लेकिन तीसरे मुकाबले में बारिश के बाद एक सुपर ओवर मुकाबला खेला गया, जिसमें रिंकू सिंह ने फिर एक बार अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सभी को अचंभित कर दिया। तो चलिए बताते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली इस सुपर ओवर मुकाबला की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन अगर आप भी रिंकू को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा मुकाबला बारिश के चलते रद्द कर दिया गया, लेकिन औपचारिकता के तौर पर दोनों ही टीमों की सहमति से एक सुपर ओवर मुकाबला खेला गया, जिसका प्रसारण टीवी पर नहीं हुआ। बता दें, इस मुकाबले में पहले आयरलैंड की टीम ने बल्लेबाजी का विकल्प चुना था। गेंद थी जसप्रीत बुमराह के हाथ में, सलामी बल्लेबाज बलब्रिन और पॉल स्टर्लिंग ने शुरुआत काफी धाकड़ करी। पहले ही गेंद पर चौका लगा दिया था और उसके बाद बुमराह की दूसरी गेंद पर भागकर दो रन पूरे कर लिए। दो गेंद में छह रन बन चुके थे और उसके बाद तीसरी गेंद पर भी चौका लगाते हुए तीन गेंद में दस रन बना दिए। भारतीय टीम के ऊपर दबाव आ चुका था, लेकिन चौथी गेंद पर बुमराह ने स्टर्लिंग को दो बोल्ड मारकर भारतीय टीम को सफलता दिला दी। लेकिन उसके बाद पांचवी गेंद पर फिर बल्लेबाज ने चौका लगा दिया और लास्ट गेंद पर दो रन भागकर पूरे कर आयरलैंड की टीम ने छह गेंद में सोलह रन बना लिए थे। भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को चुना गया था। पहली गेंद रिंकू ने खेली, जिस पर उन्होंने भाग कर दो रन पूरे किए, लेकिन दूसरी गेंद पर रिंकू बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद खाली हो गई। दबाव भारतीय टीम के ऊपर था क्योंकि चार गेंद में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह ने लेग साइड की दिशा में शानदार छक्का लगाकर भारतीय फैंस को खुशखबरी दे दी। लेकिन मुकाबला अभी भी रोमांचक था। तीन गेंद में 9 रन जीत के लिए चाहिए थे। रिंकू सिंह ने अगली गेंद पर शॉट लगाया और इस गेंद पर 2 रन ही हासिल हुए। 2 गेंद में 7 रन अभी भी भारतीय टीम के लिए चाहिए थे। सभी को लग रहा था कि रिंकू शायद इस कारनामे को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि रिंकू पहले कर चुके हैं। रिंकू ने पांचवी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अंतिम गेंद पर 3 रन जीत के लिए चाहिए थे। उसके बाद रिंकू ने अंतिम गेंद पर लीग की दिशा में शानदार छक्का लगाते हुए अपनी टीम को इस सुपर ओवर मुकाबले में न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि 20 रन भी ठोक दिए। इस तरह से भारतीय टीम ने सुपर ओवर मुकाबले में रिंकू की मदद से इतिहास रच दिया। वैसे आप सभी रिंकू की धाकड़ बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइए।